श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ, जैसे कि वास्तु टिप्स। हमारे घर में क्या क्या वास्तु है हमें कुछ भी नहीं पता देता, और वास्तु दोष ऐसा लगा हुआ है जिससे कि के कारण हमारे जो भी काम बनते हुए एकदम बिगड़ जाते हैं। धनलक्ष्मी आती है एकदम चली जाती है, या पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, या हमारे कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि व्यापार व्यवसाय में भी फ़र्क पड़ने लग गया है, उसमें भी घाटा हो रहा है, हमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा, या हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बीमारियों में चला जा रहा है। तो हमारे घर में ऐसा क्या है जो कि हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वश कि हमारे घर में छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से ऐसा हमें परेशानी और संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण हमारे घर में पैसा बिल्कुल रुकता नहीं है, आर्थिक परेशानी का सामना हम कर रहे हैं। तो बस आज ऐसे ही कुछ वास्तु दोष बताऊँगी आपको, वास्तु टिप्स हैं जो कि आप अपने घर में सुधार के और अपनी धनलक्ष्मी का वास कर सकते हैं, और आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आप पे किसी ने नज़र दोष कर दिया, या किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, या आपके घर पे कर दिया, या आपके ऊपर कर दिया, आपके शरीर पे कर दिया, कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे में हम किससे बात करें, किससे पूछें, हमें कुछ भी नहीं पता देता। या हमारी कुंडली का दोष है, या हमारे घर में वास्तु दोष है। तो आज ऐसे कुछ वास्तु दोष ऐसे बताऊँगी जो कि आप अपने घर में सुधार सकते हैं। वास्तु दोष के लिए सूर्य अस्त के बाद कभी भी आप झाड़ू पोछा गलती से भी ना करें। अगर आप ऐसे भूल कर भी करते हैं, अगर आपके घर में कभी शाम के टाइम पे गंदगी हो जाती है, बच्चे गंद कर देते हैं, आप सुबह तो टाइम झाड़ू पोछा करते हैं, अगर शाम के टाइम पे करते हैं, तो सूर्य उदय होने मतलब अस्त होने से पहले पहले आप 5 बजे से 4, 4:30 बजे के करीब आप झाड़ू लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य अस्त के बाद अगर जिस घर में झाड़ू लगता है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी खुश नहीं होती, उस घर में हमेशा दरिद्र ही आता है। दरिद्रता का निशानी है ये झाड़ू शाम के टाइम लगाना, इसलिए कभी रात को या शाम को सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू को ना लगाएं। और झाड़ू क्या होता है कि हमारे घर की साफ सफाई करती है, और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया माता लक्ष्मी, क्योंकि जैसे कि धनतेरस के दिन भी या दिवाली के दिन भी हम रख के झाड़ू को उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये धन लक्ष्मी और माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है झाड़ू। झाड़ू हमारे घर की साफ़ सफाई करती है, और इसको इतना संभाल के और इसका एक ऐसा स्थान बनाएं जो कि कभी भी इस पे पाँव ना लगे, कभी भी पाँव ना लगे, और जो कोई आता है वो इसको आप कोई भी झाड़ू को ना देख सके, क्योंकि कहते हैं ना धन को हम छुपाते हैं, ऐसी हमारी झाड़ू भी धन है, धन लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इसलिए हमें यह हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इसलिए कभी भी ऐसा ना हो कि जो कोई व्यक्ति बाहर से आता है उसके पाँव में झाड़ू लग जाए, या आप उसको ये झाड़ू दिख जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने झाड़ू को छुपा के और सही तरीके से सही दिशा में रखना चाहिए। कभी भी अगर कले कलेश होता है आपके घर में, पति पत्नी में कले कलेश होता है, तो कभी भी भूले से गलती से भी आप अपने बेडरूम में जहाँ पति पत्नी सोते हैं उस बेडरूम में बेड के नीचे कभी भी झाड़ू को ना रखें। ऐसा करने से हमेशा आपके घर में कले कलेश बना रहेगा, पति पत्नी में कभी भी प्यार नहीं रहेगा, अनबन होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो इसलिए बेडरूम में कभी भी झाड़ू को ना रखें। और फिर आपका रह गया लिविंग रूम। लिविंग रूम में जैसे कि बाहर के अतिथि लोग आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, या बाहर से कोई मिलने आता है, तो अक्सर क्या करते हैं कि गलती हो जाती है जो कि हम सोफे के नीचे झाड़ू को रख देते हैं। लेकिन कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, ऐसा करते हैं तो आपके घर में दलिद्र आता है, आप माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का किसी का झाड़ू पे एकदम पाँव लगना या उसको झाड़ू दिखना, ये चीज़ माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए माता लक्ष्मी ने भी कहा है कि जिस घर में अगर झाड़ू शाम के टाइम लगता है, या झाड़ू का निरादर करते हैं, झाड़ू को सही ढंग से नहीं रखते, सही दिशा पे नहीं रखते, या इधर उधर फेंक देते हैं कि सफाई की चीज़ है, कोई बात नहीं, इधर उधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी खुश नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए झाड़ू की बिल्कुल सही दिशा होनी चाहिए। झाड़ू को आपने करना क्या है, झाड़ू को बिल्कुल ऐसी दिशा पे रखें पूर्व दिशा की तरफ, और जब भी आप रखें तो उसको ऐसा छिपा के रखें जहाँ पे किसी का पाँव ना लगे, कोई उसको देख ना सके,
इसलिए कभी भी लिविंग रूम में जो सोफ़ा रखा होता है उसके नीचे कभी भी झाड़ू को हमें नहीं रखना चाहिए। ये तो रही झाड़ू तो की आज बात। का फिर महा उपाय आपको करना क्या है। अगर आपको ज़्यादा ही धनलक्ष्मी चाहिए घर में और आपका आर्थिक परेशानी का सामना जो कर रहे हैं वो हट जाए और आपका व्यापार खुल जाए, व्यवसाय चलने लग जाए, नौकरी अच्छी से लग जाए, जो इंटरव्यू और परीक्षा के लिए रह जा रहे हैं उसमें तरक्की हो जाए, ऐसे बिगड़े हुए सारे काम को बनाने के लिए आपने करना क्या है, झाड़ू का बिल्कुल महा उपाय है और बिल्कुल अचूक जो असरदार है, 100% काम करेगा। तो ये गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने भी आजमाया हुआ है। आपने करना क्या है, जो रात्रि के समय आप किसी भी शुक्रवार के दिन ये कार्य कर सकते, रात्रि के समय आपने झाड़ू एक मतलब पहले से आप एक नया झाड़ू ला के रख लें। रखने के बाद आपने शुक्रवार के दिन पहले से जैसे आप झाड़ू ले आए, वीरवार के दिन ले आए झाड़ू और सुबह नहा धो के शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को आप स्थापित कर लें और बिल्कुल पूजा अर्चना करें जैसे करते हैं दीप नेवर दिखाकर माता को और भोग वगैरह लगाएं और हल्दी कुमकुम वगैरह भी चढ़ा दें माता रानी को। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्वास्तिक हल्दी से और कुमकुम से झाड़ू जो नया लेके आए थे उस पर बना दें। बनाने के बाद आप माता रानी को वो समर्पित कर दें। करने के बाद आपने रात जैसे शाम को आप ये पूजा कर रहे हैं शुक्रवार की शाम को, आपने पूरे परिवार के साथ आप बैठ जाइए पूजा करिए। उसके बाद रात्रि के समय आपने जो मंदिर में झाड़ू रखा था आप उस मंदिर के झाड़ू के नीचे एक का सिक्का या चांदी का सिक्का, जो लक्ष्मी जी गणेश जी छपे आते हैं, या एक का सिक्का अगर चांदी का नहीं भी है तो आपने उस झाड़ू के बिल्कुल बीचों बीच में छिपा देना है। छिपा के उसको लाल कपड़े से उस झाड़ू को अच्छे से लपेट देना है। लपेट के अपनी तिजोरी जहाँ आप रखते हैं ना आप उस जगह पे उसके नीचे रख दे, तिजोरी के बिल्कुल जस्ट नीचे रख दे झाड़ू को। ऐसा उपाय है कि एकदम धन को इतना खींच के लाएगा, आपके घर में धन लक्ष्मी का इतना वास होने लगेगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी करके देखिए। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके घर में खूब धन आना शुरू हो जाएगा 100%। तो ये उपाय कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन पे जय जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके भंडारे भरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें शिव भगवान की कृपा पाने के लिए। आगे फिर मिलती हूँ एक खास उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय जय माँ लक्ष्मी।